देश में जब हिंदू मुसलमान की राजनीति खूब तेज होने लगती है तब समझ जाओ कि कहीं पर चुनाव है, विधानसभा, लोकसभा, पंचायत चुनाव, कुछ भी। अब महाराष्ट्र में भयंकर हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है क्योंकि अब महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है 2 महीने के बाद। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस हिंदू मुसलमान की राजनीति पर, बीजेपी की इस गंदी राजनीति पर पूर्ण विराम लगा दिया है। कर्नाटक चुनाव तो आपको याद होगा किस तरह से हिजाब को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था। अब महाराष्ट्र में भी, मुंबई में भी इसी राह पर बीजेपी चलना चाह रही थी, कोशिश कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की इस मंशा पर पानी फेर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा झटका दिया बीजेपी को कि बीजेपी चारों खाने चित हो गई। जी हां, हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, जिस तरह से बीजेपी को, मुंबई हाईकोर्ट को बेपर्दा कर दिया है, बताएंगे आगे आपको। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जिस तरह की टीका टिप्पणी की है उससे बीजेपी को सबक लेने की जरूरत है। एक तरह से हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ये नफरती सरकार या नफरती पार्टी पर चाबुक चलाया है। बताएंगे पूरा माजरा क्या है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूँ आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण आदेश दे दिया। जी हाँ, मुंबई के एक कॉलेज द्वारा, प्राइवेट कॉलेज द्वारा जारी सर्कुलर पर रोक लगा दी, जिसमें कॉलेज परिसर में हिजाब, नकाब, बुरका, टोपी पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था, यानी इन तमाम चीजों को बैन किया गया था। मुसलमानों को टारगेट करते हुए कोई प्राइवेट कॉलेज ने यह साफ कर दिया कि आप ना हिजाब पहन सकते, ना नकाब पहन सकते, ना टोपी पहन सकते। इस पर किसी प्राइवेट कॉलेज ने बैन लगा दिया। अब यह मामला पहले मुंबई हाईकोर्ट पर पहुंचा और मुंबई हाईकोर्ट ने इससे हाथ झाड़ लिया कि नहीं जनाब, आप कहीं और जाइए, इस पर हम बात नहीं करेंगे। दोस्तों कुछ दिन पहले आपको याद होगा CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि जब कोई मुद्दा राजनीति से प्रेरित होता है, कोई मुद्दा अगर राजनीति से या किसी विशेष पार्टी से कोई मुद्दा जुड़ा हुआ होता है तो लोअर कोर्ट या हाईकोर्ट कोशिश करता है कि उससे वो पल्ला झाड़ ले, और वही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। और इसमें भी आप आगे चल के देखेंगे जब मैं पूरा मामला आपके सामने रखूंगी कि किस तरह से मुंबई हाईकोर्ट ने इस मामले पर जो है पल्ला झाड़ लिया और इसे सुप्रीम कोर्ट के पास उन्होंने तो नहीं भेजा, लेकिन यह मामला खुद सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने इस आदेश पर सवाल उठाया। आदेश मतलब जिस तरह से प्राइवेट कॉलेज में कहा गया कि अब नकाब, बुरखा, टोपी ये सब नहीं पहन सकते, मुस्लिम स्टूडेंट्स जो है वो ये तमाम चीजें नहीं पहन सकते हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने सवाल उठाया और धार्मिक प्रतीकों पर चुनिंदा प्रतिबंध लगाने के कॉलेज के निर्णय की आलोचना की, घोर आलोचना की। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज के इस निर्देश पर सवाल उठाते हुए पूछा, यदि इरादा एक समान ड्रेस कोड लागू करने का था तो केवल हिजाब, नकाब और बुरका जैसे इस्लामी जो ड्रेस है, जो अटायर है, उस पर ही प्रतिबंध क्यों लगाया गया। जस्टिस संजय कुमार ने यह भी सवाल पूछा, यदि कॉलेज वास्तव में एक निष्पक्ष और समान नीति लागू करना चाहता था तो क्या तिलक और बिंदी जैसे अन्य धार्मिक चिन्हों पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। दोस्तों कॉलेजेस में अक्सर लड़कियां जो है, हम खुद भी जब कॉलेज में पढ़ते थे तो कुर्ता पहनते थे, बिंदियां लगाते थे, हाथ में चूड़ी डालते थे, हमारे जो सिख दोस्त होते थे वो पगड़ी पहनकर आते थे, कड़ा पहनते थे, कभी उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। लेकिन हमेशा, खासकर पिछले कुछ सालों में हमने देखा, जबकि बीजेपी की राजनीति एक अलग मोड़ लेती हुई नजर आ रही है, जिसमें हमने देखा कि हिजाब, किताब, बुरखा और टोपी पर जो है पूरी तरीके से पाबंदी लगाने की कोशिश जो है, प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ना अब सवाल खड़ा कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरीके से मानने से इनकार कर दिया। यानी जो बैन हिजाब, बुरखा और टोपी पर
करने की कोशिश की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे मानने से इनकार कर दिया, यानी बैन हटा दिया। यह मामला उस समय सामने आया जब आप कह सकते हैं कि साइंस डिग्री के दूसरे और तीसरे वर्ष के 9 छात्राओं ने कॉलेज के इस निर्देश को चुनौती दी थी, यानी कुछ स्टूडेंट्स ने प्राइवेट कॉलेज के, जिस प्राइवेट कॉलेज की बात हो रही है, जिस जहां बैन लगाया गया मुंबई के एक प्राइवेट कॉलेज में, वहां के 9 स्टूडेंट्स ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने इसे अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा, जिसमें धर्म का पालन करने का अधिकार, निजता का अधिकार, पसंद का अधिकार शामिल है। छात्राओं का तर्क था कि कॉलेज का यह निर्णय न केवल संविधान द्वारा दिया गया अधिकारों का हनन करता है, बल्कि उनके धार्मिक स्वतंत्रता पर भी अंकुश लगाता है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉलेज के इस प्रतिबंध के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। जैसे मैंने आपसे कहा कि अक्सर हाईकोर्ट, लोअर कोर्ट इन तमाम मुद्दों से बचता नजर आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कॉलेज के सर्कुलर पर रोक लगा दी है। बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मुंबई हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 9 अगस्त को सुनवाई करेगा, जिसमें मुंबई के एक कॉलेज परिसर में हिजाब, बुरका और नकाब टोपी पहनने पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय को बरकरार रखा गया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश CJI GY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एक वकील की दलीलों पर गौर किया और परीक्षाएं शुरू हो रही है और अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं को ड्रेस कोड पर निर्देशों के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अगर आपको लागू करना है तो आपको सब पर लागू करनी चाहिए। और प्राइवेट कॉलेज है, आप कोई ड्रेस कोड बना दीजिए। अक्सर हम देखते हैं कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एक ड्रेस कोड होता है, बाकी कॉलेजों में तो आप कुछ भी पहनकर जा सकते हैं, जो शालीन हो, जिसमें शालीनता जो है वो बरकरार रहे। तो उसी तरीके से अगर आपको हिजाब, बुरका या टोपी बैन करना है, तो आपको कहीं ना कहीं जो है, जो मामला पहले भी उठा था कर्नाटक में, हमने ये मामले को देखा था, तो फिर आपको पगड़ी जो है, आपको तिलक जो है, बिंदी जो है, या कड़ा जो है, धागे जो हम लोग हाथ में रखते हैं, हिंदू लड़का लड़की या हिंदू लोग हम लोग हाथ में धागा बांधते हैं, उन तमाम चीज़ों पर बैन लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, वो पढ़ाई का जगह है, वहाँ पर सबके लिए समान अधिकार, समान अटायर होने की ज़रूरत है, समान ड्रेस कोड मेंटेन करने की ज़रूरत है, तो ये चीज़ सबके लिए बराबर होनी चाहिए। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, CJI GY चंद्रचूड़ ने यह सवाल रखा कि अगर आप महिलाओं को यह कहते हैं कि उन्हें पहनना क्या चाहिए कॉलेज में या नहीं पहनना चाहिए, इस चीज की अधिकार अगर उन्हें नहीं है, अगर आप उन्हें बता देंगे कि उन्हें क्या पहन के कॉलेज जाना है, क्या नहीं पहनना चाहिए, वो हिजाब पहन सकते हैं, वो बुरका पहन सकती हैं या नहीं, अगर ये नकाब पहन सकती हैं या नहीं, सर ढकेगी या नहीं, ये अगर आप फैसला करेंगे तो हम महिला सशक्तिकरण की बात कहां से कर सकते हैं? हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारे देश में कुछ भी पहनने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है ये? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आप लड़कियों के पहनने पर पाबंदी लगाकर उनका कैसा सशक्तिकरण कर रहे हैं, लड़कियां क्या पहनना चाहती हैं ये उन पर छोड़ देना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने समझा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात सरकार करती है, आरक्षण की पार्लियामेंट में बात करती है, लेकिन अब महिलाएं क्या पहनेंगी, लड़कियां क्या पहनेंगी, क्या नहीं पहनेंगी, ये अगर सरकार सोचिए, ये अगर सरकार तय करती है, ये अगर पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस्ड में आकर के कॉलेजेस तय करने लग जाए, तो सोचिए हमारे देश में क्या बुरा हाल देश का हो सकता है। फिलहाल वैसे भी देश किसी अच्छे दौर से गुजर तो नहीं रहा, लेकिन इतना साफ हो जाएगा कि मौलिक अधिकारों पर भी अब जो है सरकार की दखलंदाजी होगी, किसी विशेष पार्टी जो है दखलंदाजी करेगी। हाईकोर्ट ने कहा था दोस्तों कि ड्रेस कोड का उद्देश्य अनुशासन बनाए रखना है, जो कि अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अलग अलग तरीके का हो सकता है, इसमें मौलिक अधिकार का कोई हिस्सा है नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतना साफ कर दिया कि ये बात धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ नहीं है। दोस्तों, सोचने और समझने की बात यह भी है, जब इसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोटेस्ट तो करते हैं, ये करते हुए प्रोटेस्ट करते हैं कि ये हमारी धार्मिक आस्थाओं पर चोट पहुंचाना है, उन्हें भी सोचने और समझने की जरूरत है। ये धार्मिक आपका अगर मुद्दा है तो ये मुद्दा धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाने का नहीं है, क्योंकि आप जब स्कूल पहुंचते हैं, जब आप कॉलेज में जाती हैं, तो आप धार्मिक आस्थाओं से ऊपर अपने एजुकेशन को रखते हैं। अब ऐसे में
आपकी धार्मिक आस्था आपके घर पर है, आपके बाहर, आपके निजी जिंदगी में हो है, बहुत जरूरी है, लेकिन आप किसी प्रतिष्ठान पर जब जाते हैं, स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जब आप कदम रखते हैं, तो वहां की ड्रेस कोड मेंटेन करने की, वहां अनुशासित रहने की बहुत, वहां पे अनुशासित तरीके से रहने की बहुत जरूरत है। तो आपको मुद्दा या आपके लिए दलील ये होनी चाहिए कि ये हमारी मौलिक अधिकार है कि हम क्या पहनेंगे या क्या नहीं पहनेंगे, ये हमारी निजी अधिकार है। हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, ये सरकार तय नहीं कर सकती। तो आपका मुद्दा या आप जब किसी से भी बात करेंगे तो आपको ये बात करने की या अपनी दलीलें इस तरह से रखने की जरूरत है कि यह हमारी मौलिक अधिकार है और सरकार हमारी मौलिक अधिकार हनन नहीं कर सकती। ना कि आप ये कहेंगे कि हमारे धर्म में ये कहा गया है, हमारा धर्म इस तरह से ये चीज़ को मान्यता देती है, हमारे धर्म के मुताबिक ये ना पहनना जो है गुनाह है। इस तरह की बातें जो है ये धार्मिक आस्था की बातें हैं। इससे ज़्यादा जब आप किसी कोर्ट में पहुँचते हैं, जब अपनी दलीलें रखते हैं और जब कानूनी तरीके से आप अपना हक, अपना अधिकार पाने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये दलीलें रखने की जरूरत है कि यह हमारा मौलिक अधिकार है जो छीनने की कोशिश की जा रही है। तो धार्मिक आस्था एक जगह पर, कानून अपने जगह पर। इसीलिए अगर आपको कानूनी लड़ाई लड़ना है तो आपको मौलिक अधिकारों की बात करनी होगी। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, जिस तरह से मुंबई में सामने चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, महाराष्ट्र का राजधानी है मुंबई, जिस तरह से दूसरा सबसे बड़ा राज्य और देश का सबसे अमीर राज्य में 2 महीने में विधानसभा का चुनाव है और वहां हिंदू मुसलमान हिजाब बुरखा की कोशिश फिर से किसी विशेष पार्टी द्वारा करने की कोशिश की जा रही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दे दिया है, एक नसीहत दी है और साथ ही साथ इतना समझा दिया है, सबक सिखाया है कि आप महिलाएं क्या पहनेंगी नहीं पहनेंगी ये सरकार तय नहीं कर सकती, ये किसी विशेष पार्टी के इन्फ्लुएंसर तय नहीं कर सकते। आपको हर किसी को मौलिक अधिकार देना होगा। महिलाएं क्या पहनेंगी क्या नहीं पहनेंगी ये उनकी निजी इच्छा है, इस पर दखलंदाजी तो नहीं चल सकती। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी सोच क्या है, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को हम आप तक पहुंचा सके इसके लिए देशनीति को भरपूर मदद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।